सो गाइस आपको पता होगा कि हमारे गेम के अंदर 4 दिनों के बाद कोबरा इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद आप लोग को ऑपरेशन कोबरा इवेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस इस इवेंट को मैं अभी ओपन करके दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट कोबरा इवेंट के अंदर कौन सी चीज़ें होने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है गाइस, आप लोग को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। आप लोग को पता चलेगा कि कोबरा इवेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को फ्री में मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंड गाइस इसके रिलेटेड बहुत सारे स्किन्स वगैरह हैं कोबरा थीम के ऊपर, तो गाइस वो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। जैसे कि हमारा कोबरा बंडल हो गया, कोबरा हमारी जो MP40 है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। एंड गाइस बहुत सारे स्किन्स वगैरह निकल के आए, गन्स के स्किन है तो गाइस वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड गाइस जो हमारा अटैक ऑन टाइटन है ना, उसके भी बहुत सारे बंडल्स निकल के आए, बहुत सारे स्किन्स निकल के आए, तो गाइस उसके बारे में भी फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को एकदम एंड तक वॉच करते रहना, बहुत ही मजा आएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो यार वीडियो को पहले से लाइक करके रखो, मैं आप लोगों को ऑपरेशन कोबरा का फ्री एक्सेस दिखाने वाला हूं। एंड अगर चैनल पे अगर नए नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन बन के आएगा, उसको जरूर से ऑल पे सिलेक्ट कर देना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो गाइस मैंने आप लोग से वादा किया था कि आप लोगों को मैं अपकमिंग इनक्यूबेटर दिखाने वाला हूँ। तो ये है हमारा अपकमिंग इनक्यूबेटर, जिसका नाम है ग्लेशियर बंडल, जो कि हमारे इंडियंस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। गाइस आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये वाला बंडल देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का इनक्यूबेटर बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड गाइस इसका आप लोग टॉप वाला बंडल देख सकते हो, इसके चारों के चारों एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 4 बंडल है, चारों के चारों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसके खासकर इसके एनिमेशन जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को किस तरीके की लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना तरीके ये लग रही है। एंड आप लोग यहाँ पर वेनम सोल्जर देख सकते हो, ग्लेशियर सोल्जर, बहुत सारे इसमें बंडल्स वगैरह दिए गए, चारों के चारों बंडल एक से एक है गाइस। अगर आप लोग लास्ट वाली निकालते हो ना, फिर भी आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस ये होने वाला है हमारा अपकमिंग इनक्यूबेटर। एंड गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो ऑपरेशन कोबरा है ना, इसके अंदर कौन सी चीजें देखने को मिलेगी। तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका वीडियो लीक हो चुका है, इसका प्री एक्सेस मिल चुका है काफी बंदों को। तो गाइस ये आप लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूं, तो गाइस इस तरीके का होने वाला है। यहां पर गाइस एक वेब इवेंट आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। एंड गाइस जो हमारा लॉगिन इवेंट आप लोग ऊपर देख रहे हो ना, इसका गाइस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है मैं मानता हूं, लेकिन गाइस आप लोगों को वो चीजें वही रहने वाली है। एंड लॉगिन इवेंट पे आप लोगों को ये बैकपैक मैंने बताई थी, तो गाइस ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी आप लोग जैसे लॉगिन करोगे। एंड गाइस जो एक्सचेंज वाला टोकन एक्सचेंज वाला जो आप लोग नीचे देख रहे हो ना, इसके अंदर आप लोगों को ये वाली जो फीमेल बंडल है ये आप लोगों को 100% फ्री में मिल जाएगी, साथ ही साथ सर्वोड एंड बहुत सारे आइटम्स भी मिलने वाले हैं। एंड गाइस आप में से काफी बंदे सोच रहे होंगे कि जो हमारे कोबरा कैलेंडर के अंदर मैप ड्रॉप के अंदर ये क्यूब दिखाई गई है, इसका काम क्या है। तो गाइस ये आप लोगों को काम पड़ेगा हमारे कोबरा इवेंट के अंदर ही, मतलब ऑपरेशन कोबरा इवेंट के अंदर ये काम पड़ने वाला है। एंड गाइस जो हमारा मोनोपोली गेम है, जिसके अंदर आप लोगों को शायद ये जो बंडल है ना ये बहुत ही सस्ते के अंदर मिल जाएगा, मतलब इसको अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को ज्यादा डायमंड्स देने पड़ेंगे, लेकिन जो शुरू शुरू में ना ये जो बंडल है आप लोगों को बहुत ही सस्ते के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को 2 इमोट्स मिलने वाले, मतलब ये बंडल के साथ ही 2 इमोट्स मिलेंगे। एंड इस बंडल की खासियत ये है कि आप लोग इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मतलब इसको कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लगी मुझे, फर्स्ट हमारी एवोल्यूशन बंडल होने वाली, जिस तरीके से एवोल्यूशन गन होती है उस तरीके से एवोल्यूशन बंडल आने वाला हमारे गेम के अंदर। एंड इसके लिए एक अलग सा वर्ल्ड का सेक्शन बनाया जाएगा, जिस तरीके से हमारे एवोल्यूशन गन का सेक्शन अलग है ना, उस तरीके से वर्ल्ड का भी सेक्शन अलग होने वाला इस बंडल के लिए। तो गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हो लेजेंडरी बना हुआ है ना, तो गाइस ये लेजेंडरी के अंदर आप लोग को ये जो बंडल है इसको आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हो लेजेंडरी के अंदर। इस बंडल का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिस तरीके से एवोल्यूशन गन होती है उस तरीके से ये लोग ने एवोल्यूशन बंडल बनाया, जहां पर गाइस आप लोग यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड जो हमारी हेयर होती है, टॉप होती है, बॉटम होती है, ये सभी को अलग कर दिया गया है। मुझे गाइस ये लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड जिस तरीके से एवोल्यूशन गन में आप लोगों को इमोट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, आप लोग को अपग्रेड करना होता है ना, उस तरीके से इसमें भी आप लोग को अपग्रेड करना होगा। एंड गाइस अगर आप लोग का रैंक कम है ना तो इसके जो फीचर होंगे वो भी कम होने वाले, मतलब अगर आप लोग हीरोइक पे होगे तो आप लोग को फुल फीचर मिलेंगे, अगर आप लोग डायमंड 1 के अंदर होगे तो आप लोग को कम फीचर देखने को मिलेंगे, आप लोग कलर वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे। तो गाइस इसका कंसेप्ट आप लोग किस तरीके का लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई भी आप लोग को अगर आप लोग ये बंडल लगाते हो ना, कोई भी आपको इंस्पेक्ट करता है तो उसको ये वाला इमोट देखने को मिलेगा, मतलब गाइस हमारा जो इंस्पेक्ट का सेक्शन होने वाला वो भी चेंज होने वाला है, एंड ये भी इमोट उसको देखने को मिल सकता है। तो गाइस आप लोग को कैसा लग रहा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा तबाही लगा, गए सारे के सारे इमोट्स एकदम ओपी होने वाले हैं। एंड अगर बात की जाए कि इसका कलर कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कलर
का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। अगर कोई आप लोग गोल्ड पे होते ना तो आप लोग कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग डायमंड वन के बाहर चल जाते हो, मतलब डायमंड वन से आप अगर आपका ये जो रैंक होने वाला है ना, तब आप लोग कलर को भी चेंज कर सकते हो। एंड आप लोग कैप वगैरह देख सकते हो, सब कुछ इसमें अलग कर दिया जाएगा। जैसे मतलब आप लोग नया वर्ल्ड का सेक्शन आप लोग कह सकते हो, इसको बना दिया जाएगा स्पेशली इस बंडल के लिए, ठीक है ना। एंड बंडल चार कलर के होने वाला है, जिसको चेंज करने के लिए आप लोग को डायमंड वन के पार जाना पड़ेगा, तभी आप लोग चेंज कर पाओगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे नए एवोल्यूशन गन के बारे में, जो कि होने वाली है हमारी न्यू एवोल्यूशन MP40, जिसका नाम होने वाला कोबरा MP40। तो गाइस इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें मुझे एक बात मुझे ये लोग को पसंद नहीं आया कि ये लोग ने लिखा द फर्स्ट SMG एवोल्यूशन गन। तो गाइस इसमें फर्स्ट के आप लोग खुद सोचो कि पहले भी UMP की आ चुकी है, फिर ये लोग फर्स्ट बोले ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके एवोल्यूशन गन की और इनका ज्यादा से ज्यादा हमसे पैसे लूट सके। क्या बात है सर। गाइस मुझे लगता है कि ये लोग ने UMP की स्किन को भूल गए, क्योंकि ये लोग ने फ्री में दी थी। तो गाइस अब बात कर रहे थे कि किस इवेंट के अंदर आएगी हमारी नई कोबरा MP40, तो ये आप लोग को देखने को मिल जाएगी हमारे नए फेडेड विल के अंदर। जितने भी अभी तक एवोल्यूशन गन आए हैं, अभी फिलहाल तो दो ही आए हैं, हमारी तो पहली ड्रैको एके हो गई, दूसरी हमारी मेगालोडन स्कार हो गई, दोनों के दोनों फेडेड विल के अंदर आए, तो ये भी आप लोग को फेडेड विल के अंदर ही देखने को मिलेगी। एंड लास्ट इस विल में डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिलने वाली है वाली स्किन, उसके बाद में आप लोग को इसको अपग्रेड करना होगा मैक्स तक, अगर आप लोग इसके फुल फीचर को अलग करना चाहते हो। तो गाइस आप लोगों को किस तरीके की लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मुझे गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे पास कोई भी MP40 की स्किन नहीं, एक डबल एटा फायर वाली है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं चलती, तो साथ से इसको निकालने का ट्राई करूंगा मैं। तो गाइस देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि हमारे कोबरा थीम के ऊपर बहुत सारे नए नए गन स्किन आने वाले हमारे गेम के अंदर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सस्ता जुगाड़ MH2B की स्किन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कोबरा थीम के ऊपर बेस्ड होने वाली है। गाइस आप लोगों को किस तरह की लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वाली गाइस आने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आ गए जी लोग ने दे दी। एंड गाइस जो हमारी नई MX7 की स्किन आई है ना, उसकी भी गाइस आने वाली है, मतलब MX7 की स्किन आने वाली है जो कि कोबरा थीम के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। एंड गाइस ऐसे ही करके टोटल 3 स्किन आने वाली है, जो कि लेजेंडरी नहीं रहने वाली, मतलब एवोल्यूशन नहीं रहने वाली है, लेकिन लेजेंडरी तो जरूर रहने वाली है। गाइस MX7 की मैंने आप लोग को दिखा दी। एंड गाइस अभी आप लोग देख रहे हो हमारे AN94 की स्किन, गाइस इस तरीके की रहने वाली है हमारी AN94 की स्किन। तो गाइस आप लोग को तीनों की तीनों स्किन दिखा दिए, जो कि हमारे कोबरा थीम के ऊपर बेस्ड रहने वाले। एक तो हमारा एवोल्यूशन गन का आएगा जो कि MP40 का रहेगा। एंड गाइस 3 अलग आने वाले, 3 लेजेंडरी भी गन स्किन आने वाले गाइस। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तो गाइस 2 बंडल रिलीज हुए, एक तो मैंने आप लोग को पहले भी दिखा दिया, ये वाला मैंने पहले दिखा दिया था आप लोग को, नंगा बंडल। काफी बंदे मुझे बोल रहे थे कि भाई नंगा बंडल है, तो गाइस ये नंगा होगा कुछ नहीं, ये एक टाइटन है। मतलब अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन जाके वेब सीरीज देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि उसमें 2 टाइटन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हैं। तो गाइस ये दोनों ऑपोजिट टाइटन से, एक मैंने आप लोग को पहले दिखा दिया वो एक टाइटन है, एंड ये भी दूसरा टाइटन है गाइस। तो गाइस आप लोग किस तरह का लग रहा है, मुझे तो हल्क टाइप का लग रहा है, थैनोस टाइप का लग रहा है ये वाला बंडल। एंड गाइस इसके रिलेटेड ना एक आप लोग को स्किन देखने को मिलेगी, जो कि होने वाली हमारी M10 की स्किन, जो कि आप लोग को वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिल जाएगी। जब हमारे अटैक ऑन टाइटन के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग को ये वाली जो आप लोग गन स्किन देख रहे हो, ये आप लोग को हमारे वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसकी स्टार्टिंग स्किन भी मैं आप लोग को दिखाया था, तो गाइस इस तरीके की रहने वाली हमारी स्टार्टिंग स्क्रीन, मतलब इस तरीके का आप लोग को रहने वाला। अगर आप लोग इंटर करोगे तो आप लोग को बहुत सारे इवेंट्स वगैरह नजर आएंगे। अभी तो फिलहाल कोबरा का इवेंट चल रहा है, इसके बाद हमारा अटैक ऑन टाइटन का भी ये जो कोलैबोरेशन है ये स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस आज का जो वीडियो था ना यहीं तक था, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।